वीडियो बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है उन बच्चों के लिए जिनके माइंड में अभी तक ये कन्फ्यूजन चल रहा है कि हमें कंपनी लॉ का पेपर देना चाहिए या कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर देना चाहिए। दरअसल कोरोना की वजह से इस बार ये चेंज आए हैं कि आपका जो सब्जेक्ट्स का ग्रुप होता है उसके अंदर दो कोड के पेपर होते हैं। उनमें से इस बार कोरोना की वजह से हुआ ये है कि हमें उन दोनों कोड में से किसी एक कोड का एग्ज़ाम देना है। इसी वजह से हमारे पास ऑप्शन बन जाता है कि हम कंपनी लॉ का पेपर दें या कॉस्ट अकाउंटिंग को के पेपर को हम देने के लिए जाएं। जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी है उनको भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि किसमें ज़्यादा नंबर आएंगे, या वो बच्चे जिन्होंने तैयारी नहीं की है जो केवल पास होना चाहते हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि कौन सा पेपर हम कर लें जो हम आसानी से पास हो जाएं, क्योंकि दोनों में ऑप्शन तो मिल ही गया है, किसी एक को हमें देना होगा। कुछ बच्चों का डाउट ये भी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा पेपर देना है या कौन सा नहीं देना है। बेटा, जब आप अपने कॉलेज में जाओगे तो अकॉर्डिंगली आपको क्यू में लगा दिया जाएगा कि कौन सा बच्चा आपका कंपनी लॉ का एग्ज़ाम देना चाहता है और कौन सा बच्चा कॉस्ट अकाउंटिंग का एग्ज़ाम देना चाहता है। तो वो अरेंजमेंट आप कॉलेज वालों के ऊपर छोड़कर केवल इस बात पर ध्यान दें कि हमें किस चीज़ का एग्ज़ाम देना है। तो अगर आपके दिमाग में ये सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, माइंड में ये सारे डाउट हैं, तो ये डाउट इस वीडियो को देखने के बाद आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं आपसे आज 5 या 6 हेडिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू पर बात करूंगा कि आपको कौन सा पेपर ऑप्ट करना चाहिए। आपके जो क्वेश्चंस हैं मैंने उनकी कैटेगरी बना ली है, तो उस कैटेगरी के आधार पर ही मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से का चुनाव करना चाहिए ताकि हमारे नंबर अच्छे आ सकें। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं उन बच्चों के लिए बात करना चाहता हूं जिनके दिमाग में बस एक ही बात है कि कैसे ही करके बस पास हो जाएं। तो जो लोग पास होना चाहते हैं वो कंपनी लॉ का एग्ज़ाम दें, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में केवल पास होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स जो हैं उन पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकती है यहाँ पर पास होने में अगर आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन का बिल्कुल कमज़ोर है प्रैक्टिकल आपकी अप्रोच। तो मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट करूँगा केवल पास होना है तो कंपनी लॉ में पास होना बहुत आसान है, तो आप कंपनी लॉ के साथ जाएँ। दूसरी बात कि केवल पास होना है तो कैसे पास हों, तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। आप कंपनी लॉ में केवल आपका जो कंपनी है, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स जितनी भी हैं, टाइप्स ऑफ कंपनी हमारी जो भी हैं, और लिफ्टिंग ऑफ विल, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी और दोनों में डिफरेंस, एंड स्टेप्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, प्रोस्पेक्टस, डिवेंचर एंड शेयर्स में डिफरेंस, मीटिंग वाला टॉपिक, डिविडेंट वाला टॉपिक और डायरेक्टर वाला टॉपिक, आप इन सारे टॉपिक को अगर कर लेते हैं तो आप आसानी से कंपनी लॉ में पास हो जाएंगे। जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और आप आसानी से आप पास हो सकते हैं, तो इसलिए आप इन टॉपिक को ज़रूर पढ़ लें। जो बच्चे ये जानना चाहते हैं कि हमें पूरा कंपनी लॉ का डिटेल एनालिसिस बता दीजिए कि कौन कौन से पेपर आएंगे, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि आज शाम को मैं 8 बजे एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कंपनी लॉ के लिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, तो डिटेल में मैं आपको वहाँ पर कवर कर दूंगा। तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन सेट कर लें, 8 बजे आपको आज वो वीडियो मिल जाएगी। साथ ही कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि क्या हम केवल पास होना चाहें कॉस्ट अकाउंटिंग में और हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच भी अच्छा है बट हम कॉस्ट का पेपर देना चाहते हैं, तो मेरे उन साथियों के लिए, मेरे उन बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हैं, मटेरियल नाम का आपका एक चैप्टर है उसको कर लें, कॉस्ट क्लासिफिकेशन का एक चैप्टर है उसको कर लें, कॉस्ट सीट, रिकन्सलेशन स्टेटमेंट, लेबर इंसेंटिव प्लान का एक लेबर का चैप्टर है उसको कर लें, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, इनकी थियरी और प्रैक्टिकल दोनों को कर लें तो आप बहुत आसानी से पास हो सकते हैं। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट उन बच्चों के बारे में जिनका थेरेटिकल पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, थियरी उनकी अच्छी है बट उनके दिमाग में ये डाउट है कि क्या कॉस्ट में भी थियरी आती है। तो मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, हो सकता है कॉस्ट में जो आपको चॉइस मिले उस चॉइस में भी क्वेश्चन आ जाए। तो अगर आपका थेरेटिकल पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कॉस्ट के पेपर को सेलेक्ट ना करें, आप केवल कंपनी लॉ की तरफ ही जाएँ अगर आपका थेरेटिकल पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आगे बात करता हूँ उन बच्चों के लिए जिनका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी अच्छा है और थ्योरी भी ठीक है, ठीक ठाक है या बहुत अच्छी है। तो जिन बच्चों का ऐसा है, प्रैक्टिकल पोर्शन आपका अच्छा है, तो आप नो डाउट निसंदेह कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ जाइए, क्योंकि थ्योरी भी आपको 30-40% मिल जाएगी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो यहाँ मिलते ही मिलते हैं।
इसके बाद कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका कहना ये है, हमने तो दोनों की तैयारी कर रखी है, बस हम तो ये डाउट में हैं कि हमें ये पता चल जाए कि कौन सा हाई स्कोरिंग है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, कॉस्ट अकाउंटिंग आपका ज़्यादा हाई स्कोरिंग होता है रिस्पेक्टिवली कंपनी लो के। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी लो की जो आप थ्योरी लिखेंगे, हालांकि वो हार्ड कोर थ्योरी नहीं है, लॉजिक उसमें भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन रोना ये है कि आपको हेडिंग वाइज लिखना होता है। आप एज इट इज़ हेडिंग लिखेंगे तो ही आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जब चेक करता है तो वो हेडिंग उसके पास होती हैं आंसर शीट में, तो वो उन हेडिंग को मैच करने का प्रयास करते हैं। इसलिए अगर आप हेडिंग अच्छे से लर्न कर पाते हैं, आप डिट्टो याद कर लेते हैं, हाँ अंदर का जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है हेडिंग के अलावा वो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, बस कीवर्ड वो ही होने चाहिए। लेकिन अगर आपको हेडिंग सेम टू सेम नहीं लिख पाएंगे, आपको नहीं लगता हम हेडिंग सेम टू सेम लिख पाएंगे, तो फिर मेरे बच्चों आप कॉस्ट की तरफ जाएं, क्योंकि कॉस्ट की थ्योरी में हेडिंग का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जो थ्योरी होती है वो भी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होती है, तो कहीं ना कहीं थ्योरी भी प्रैक्टिकल से इन्फ्लुएंस होती है। तो प्रैक्टिकल पोर्शन आपका अगर बहुत अच्छा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फिर आप कंपनी लो का एग्जाम ना देके कोर्स का एग्जाम दें, क्योंकि कोर्स ज्यादा हाई स्कोरिंग होता है मेरे हिसाब से कंपनी लो के साथ, कंपनी लो के रिस्पेक्टिवली। तो केवल अगर पास होना चाहते हैं तो जो टॉपिक बताए हैं कंपनी लो के वो टॉपिक कर लें, और अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, प्रैक्टिकल पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप कोर्स अकाउंटिंग का भी पेपर अच्छे से कर पाएंगे। जो मैं बातें बता रहा हूँ आप उनको कर लेंगे तो कोस्ट का पेपर आपका अच्छा होगा, बट बेशर्त है कि आपको थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से आना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई होगी कि हमें किसका पेपर देना चाहिए। मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा थ्योरेटिकल बहुत अच्छा है तो कंपनी लो का ही एग्ज़ाम दें, और प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है और थ्योरी भी आप कर लेते हैं तो फिर आप कोस्ट अकाउंटिंग का एग्ज़ाम दे दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपका डाउट सोल्व हुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर किया करें। अगर आप चाहते हैं कि कोस्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताए जाएं तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि हमें इस पर भी वीडियो चाहिए, तो कोस्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की और कोस्ट की थ्योरी की भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। जब तक के लिए घर रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ताकि हम भी इसी उत्साह के साथ आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आते रहें।